ये तो बहुत ही घटिया, इतना ऑफ वाइट कौन पहनता है यार? छी, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये ही निकालती हूँ, ये बहुत सुंदर लगेगा। अरे इसको चिपका दिया है क्या, ये निकल क्यों नहीं रहा है? अरे यार ये निकल नहीं रहा है यार। सॉरी, ये लहंगा मैंने चूज किया था। अरे चूजे से चकल की चूजी, अभी मम्मी के अंडे से निकली नहीं है और लहंगा पसंद करने चली है। मेरा लहंगा है ये। हेलो, पहले इसको मैंने लिया था, अभी समझ आई बात? ओ पहले लिया था, धरती पे पहले आई हो क्या? दो, ये मेरा लहंगा है, बड़ी आई। क्यों, ये मेरा लहंगा है, कहाँ है ये? आ क्यों नहीं है ये मैनेजर? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस मैम, ये वाला लहंगा मेरे नाम पे पैक कर दो। मेरे नाम पे 4 गुना ज्यादा रख लेना पैसे। बताओ कितने का है? मैम दिस इज मनीष मल्होत्रा फर्स्ट कॉपी एंड इट कॉस्ट यू अराउंड 10 लाख। ये टट्टी सी कलर का लहंगा इसी की टट्टी सी पर्सनालिटी पे सूट करेगा, ये लो। क्यों, मैं क्यों ले लूं? तब से तो बड़ा लड़ रही थी, तू ही ले। वैसे तो बड़ा बोल रही थी कि 4 गुना पैसे दूंगी, लगता है अब दीदी की टाइ टाइ फिस हो गई। सुन सुन, क्या है? चांदनी चौक में ना इन लहंगों की 3rd-4th कॉपी इससे सस्ते में मिल जाती है। क्या बात कर रही है? हाँ, क्यों 10 लाख का चूना लगवा रही है? चल मेरे साथ चल, मैं दिलवाती हूँ। ठीक है दीदी, चलो तू ही पहन ले इसे। क्या कर रही बेटा? अपने नाखूनों को ना दुल्हन बना रही हूँ। थोड़ा मेरो भी लगा दो बेटा। लाओ। जीते रहो जीते रहो बेटा। अरे बेटा वो बहन जी बता रहे थे कि तू नेल पॉलिश लगा रही है, मेरे को लगा दे जरा सी। क्या है? लाओ लगा देती हूँ। थैंक यू, बहुत सुंदर लग रही है। चल चल बहुत काम है, मैं जाती हूँ। जीतू सुनना, मैं क्या बोल रही थी? क्या है, मुझे लगाना ही नहीं, मुझे नहीं लगाना, तुम ही लोग कर लो सब कुछ। एक तो दुल्हन मैं हूँ, सजना सबको है यहाँ पे, मैं नहीं कर रही झूठ भी, जा किसी और से करवा दे। कर दिया हुआ है। मैं तो हेल्प करने के लिए आई थी। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मैं आपको बोल रही हूँ ना, हनीमून पे तो मैं गोवा ही जाऊंगी, एंड ऑफ डिस्कशन, मुझे कुछ नहीं सुनना है आप। गोवा? अरे हमारे घर पे कोई हनीमून पे जाता ही नहीं है, तो तुम गोवा कहाँ से जाओगी? अच्छा तुम्हारे घर पे हनीमून नहीं जाते हैं, तो फिर मेरी बात ना अपने कान खोल के सुन लो, अपने घर वालों को बोल देना कि बच्चा प्लान करने के लिए भी ना बोले, नो हनीमून मतलब कि नो बच्चा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हनीमून पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें वैष्णो देवी जाना पड़ेगा, वैष्णो देवी से आके फिर हमें अयोध्या जाना पड़ेगा राम मंदिर, जब राम मंदिर से वहां से होके आएंगे फिर उसके बाद चलेंगे ना बाबू हनीमून पे। अच्छा हेलो हेलो बाबू, मम्मी पापा जी शादी कैंसिल, नहीं करनी मुझे कोई भी शादी, आप लोगों के पैसे बच गए। क्या कह रही है, पागल हो गई है क्या? ओके हु इज द ब्राइड, मेकअप स्टार्ट करना है। ये है ब्राइड। सो व्हाई आर यू टेलिंग मी, आपकी ब्राइड गूंगी है क्या? वेट वेट वेट, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। करवाना है या नहीं, मेरी ऑर्डर पेंड है। पहली बात तो मैं गूंगी नहीं हूँ, और दूसरी बात मेरी शादी है आज, और मुझे पीरियड्स हो गए, अब मैं क्या करूंगी, मेरी शादी तो कैंसल। दीदी कोई बात नहीं, आपको शादी नहीं करनी तो जीजू से मैं शादी कर लेती हूँ। शादी तो आज ही होगी, मेकअप स्टार्ट करो। ठीक है।
79 लिखिएगा। अट्ठाईस नहीं, 27 लिखना। 20 मेरी शादी है तो मुझे जल्दी से जल्दी बना के दे देना। चल ओए, तू पागल वागल हो गई है क्या? वहाँ पे 2-2 इंच कम क्यों लिखवा के आई है टेलर के पास? तुझे पता नहीं है मैं ना वेडिंग डाइट पे हूँ, शादी तक ना मुझे 0 साइज फिगर करना है। हाँ भाई, अगली करीना कपूर तो तू ही बन रही है। चल अब देखना गोलगप्पे वाला, चलना खा के आते हैं। माँ जो 2-2 इंच कम लिखवाया उसका क्या होगा, करीना कपूर वाले 0 फिगर का? अबे 10-12 गोलगप्पे से ना कुछ नहीं होता, चल लो। अबे चुपचाप घर चल ले। नहीं रुक जा यार, चल। फोन एक गोलगप्पे का। हाय, हमें ना ब्राइडल मेकअप की बुकिंग करानी है। सॉरी वी आर ओवरबुक। मैंने सुना था ना जो बड़ी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट होती है ना वो एक दिन में 10-10 बुकिंग ले लेती हैं। मुझे लगता है ये कोई छोटी मोटी मेकअप आर्टिस्ट होगी। ओके, बजट कितना है आपका? वैसे तो हमारा बजट 15,000 है, बट तुम्हारा जो भी हाईएस्ट पैकेज है 5 या 7 उतने में कर दो। इतने में तो मैं साइड मेकअप भी नहीं करती हूँ, वैसे भी मैं तो सिर्फ हाई प्रोफाइल क्लाइंटेल के लिए करती हूँ। चाहिए गरीब पीपल यू नो। क्विज मी, हम कोई गरीब वरीब नहीं है। हाँ नहीं तो अब 50,000 में करवाएंगे हम। बता दे इसको। ओके, मेकअप किसको कराना है? मैं हूँ। इधर आइए, अपनी स्किन चेक करवाइए सर। अरे कोई न्यू टाइप का फेशियल होगा ना। सॉरी दीदी, हमें नहीं कराना। सॉरी। क्या हुआ? सिली पीपल, इनकी 10-15 हज़ार रुपए के चक्कर में मैं अपनी 1,00,000 रुपए की अपॉइंटमेंट छोड़ दूँ? अरे बहन जी, कैसी बात कर रही हो? अब तो आपकी बेटी हमारी बेटी। अरे आंटी जी आप। नमस्ते नमस्ते। अरे बेटा कहाँ थे, इतनी देर से मैं इंतजार कर रही हूँ। अरे आंटी जी, आपका बेटा फोन पे इतना बिजी रखता है कि क्या ही करूँ मैं। और ना ये अब आंटी जी बोलना बंद कर दो, मम्मी जी बोला करो। हाँ हाँ बेटा, मम्मी जी बोला कर अब तो। आए हाय जी, मम्मी जी, वो भी आपको सुन के कितना बुरा सा लग रहा है। अभी ना जब मैं आपके साथ आपके घर पे रहने लगूंगी और आप मुझे मेरी मम्मी जितना कंफर्ट और बर्दाश्त कर पाओगी ना, तब मैं आपको बोलूंगी मम्मी जी, नहीं तो आप आंटी जी ही ठीक हो। कहाँ खो गई बेटा? कुछ नहीं आंटी जी, मम्मी जी। सही सही, अब सही लग रहा है ना, मम्मी जी सही लग रहा है। अरे वो पानीपत वाली बुआ जी का नाम लिख लेना। हाँ सही है, अच्छा याद दिलाया। क्या कर रहे हो आप लोग? अरे वो तेरी शादी में इनविटेशन की लिस्ट बना रहे हैं ना। किस किस का नाम लिख रहे हो? मेरे फ्रेंड्स का भी ऐड कर देना। तू अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे इनवाइट कर देना, आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे फोटो वीडियो बनाते हैं जो, उन पे भेज दे। देखो मम्मी क्या बोल रहे हैं पापा, अब अनु और सपना मेरे बचपन के फ्रेंड्स है, अच्छा लगेगा क्या मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगी इनविटेशन? अरे लिख दो ना। क्या लिख दो, पता नहीं कितना खर्चा पड़ता है एक कार्ड बनाने में, फ्रूट्स का खर्चा, ड्राई फ्रूट्स का खर्चा, साथ में मिठाई लगाओ और उसके नल्ले फ्रेंड्स को दे दे फिर। अच्छा मुझे लिस्ट दिखाना, मैं बताती हूँ कौन है नल्ला। सबसे पहला नाम ही नल्ले का है, रमेश ताऊ जी। बताओ मेरे बड़े भाई को नल्ला बोल रही है ये। क्यों ना बोलूं, जब बंटवारा हुआ था तो उन्होंने आपकी गिरेबान नहीं पकड़ी थी, और दूसरी वो बुआ जी जब देखो मुंह उठा के आ जाती है मांगने के लिए, और मेरे लिए तो उनकी जेब से एक पैसा नहीं निकलता। वैसे क्या तो सही रही है ये। क्या सही कह रही, दिमाग ठीक है। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते दीदी। जीतू की शादी की खुशखबरी सुनते ही मैं तो अपना पूरा परिवार लेके आ गई हूँ, 10 दिन यही रुकेंगे अब। अरे बिल्कुल बिल्कुल आइए, आपका ही घर है। देख दानिश, मैं ना बहुत मुसीबतों से आई हूँ, आज मेरी हल्दी और मैं हल्दी छोड़ के आई हूँ सिर्फ तेरे लिए। बता क्या बात करनी है? देख अन्नू, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू क्यों नहीं समझती है?
देखना सुबह से दारू पी के यहाँ बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, सूरज सर पे आ गया है मेरे। दानिश तुम्हें समझना होगा कि हमारा साथ ना यहीं तक का था, और मैं तो तेरे लायक भी नहीं हूँ। तू कहाँ मैं कहाँ, तुझसे अच्छी मुझे लड़की कोई मिली नहीं सकती है। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू मुझे बस छोड़ के मत जा, बस तू शादी मत कर, बस मुझसे शादी कर ले। नहीं दानिश ये नहीं हो सकता, हमारा साथ बस यहीं तक का था और अब मुझे जाना होगा। ये लो। वैसी विदा हो जाएगी। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, अपना घर छोड़ के आपको छोड़ के नहीं जाना। अब शादियों के सीजन में ब्राइड्स के इतने टैंट्रम्स तो होंगे ही ना, अगर आपने भी किसी ऐसी ब्राइड्स को देखा है ना तो हमें कमेंट में जरूर बताना। और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो भर भर के लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चीयर्स। कुछ भी चीयर्स।